यरूशलम से यहूदी हाकिमों ने काहिनों और लावियों को यूहन्ना के पास भेजा। आप कौन हैं? यूहन्ना ने जवाब देने से इनकार न किया, बल्कि ऐलानिया और वाजह जवाब दिया, मैं तो मसीह नहीं हूं। तब फिर आप कौन हैं? तो क्या आप एलिया हैं? नहीं, मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? नहीं। फिर बताइए कि आप हैं कौन? हमें अपने भेजने वालों के पास जवाब लेकर जाना है। आप अपने हक में क्या कहते हैं? यूहन्ना ने यसीयाह के सहीफे में से जवाब दिया, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, खुदावंद की राह को सीधा करो। तब फिरेसियों की तरफ से भेजे जाने वालों ने यूहन्ना से पूछा, अगर तू ना मसीह है, ना एलिया है, ना नबी है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का दसमा में खोलने के लायक नहीं। ये बातें यर्दन के पार बैत एनिया वाके हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखा। ये खुदा का बड़ा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसके बाबत मैंने कहा था, एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे कहीं ज्यादा महान है, क्योंकि उसका अस्तित्व तो मेरे जन्म से पहले से है, और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर उससे पानी से बपतिस्मा देता हो आया कि इज़राइल जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह अल खुदस से बपतिस्मा देने वाला है। मैंने देखा और गवाही देता हूं कि ये खुदा का बेटा है।